Vivek for being with us. He's a president of E. coli, superior. एक आइडियल आइकॉन श्री सुरेंद्रदा का स्वागत है। एक तो एज अ फिल्म मेकर ये बहुत सेटिस्फाइंग है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि खुश है, अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं, बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट भी अच्छा है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा महसूस होता है। मुझे ये लगता है कि इतने तादाद पे लोग जो देख रहे हैं फिल्म को, उनसे कुछ और आगे की उम्मीद है, क्योंकि ये बात तो सच है कि ये फिल्म अभी एक मूवमेंट की चेहरा ले चुकी है, और ये मूवमेंट हमने शुरू किए और ये हमने हमारी ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा महसूस करते हैं। नंबर वन, आपका जो दो सवाल की पहला हिस्सा है, कंट्रोवर्सी था, अभी कंट्रोवर्सी काफी कम हो चुके हैं, क्योंकि ये मुझे समझ में आया है जो लोगों ने फिल्म नहीं देखा, कंट्रोवर्सी उनकी तरफ से था, फिल्म देखने के बाद कंट्रोवर्सी ज्यादातर खत्म हो चुका है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, ये जो फिल्म बैन हुई है, ये फिल्म वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में बैन हुआ है, और विदेशों में जहां जहां पे भी उनकी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एक टेरर नेटवर्क काम करते हैं। इसके साथ ना कोई रिलीजियन का कोई रिलेशन है, ना कोई समाज का कोई रिलेशन है, ये कम्प्लीटली एक वोट बैंक है, जो वोट के तहत पॉलिटिकल कंपल्शन आ जाता है तो वो लोग बैन करते हैं। मतलब वेस्ट बंगाल में 2 महीना पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन करने को लेके सबसे ज्यादा जो वोकल थे वो है महुआ मित्र जी। आज महुआ मित्र जी मेरी सपोर्ट में नहीं आए, लेकिन वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के सपोर्ट में आए थे। या जब पद्मावत को लेके बहस हुई थी, तो ममता बनर्जी लीड किए थे मूवमेंट को कि कोई फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए, आज मेरी फिल्म को बैन कर। तो मुझे समझ में आता है ये पॉलिटिकल, क्योंकि इस्लाम को, मुस्लिम रिलीजियन को हमारी देश में इसके बाद से सिर्फ वोट बैंक की तरह पे देखा गया, उनको कभी इस देश की मूल स्रोत में जोड़ने की जगह एक पॉलिटिकल एक टूल से, इलेक्शन की टूल वोट बैंक की तरह देखा गया, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन इतने ज्यादा तादाद में लोग इस फिल्म को सपोर्ट किए हैं, हमें ब्लेस किए हैं, तो मुझे लगता है कि ये आइडेंटिफाइड हो चुका है कि कौन किस तरफ है। तो अभी और कंट्रोवर्सी मुझे ना मुझे टच करता है, मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म के साथ और कोई कंट्रोवर्सी है। पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि कोई भी रिलीजन में, मतलब ये शुरू हुई थी, ये चर्च ने शुरू किया था 90s में, केरल की चर्चेस ने शुरू किया था कन्वर्शन, वो आतंकवादी कुछ संगठन ने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन, इसके साथ मेरी फिल्म का कोई रिलेशन नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है लॉ बनना चाहिए। ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.